देख सकते हो पंडित कैसे उठा रहा है। पंडित जी उठा रहे हैं अपना चारा ले जा रहे हैं। जय स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के साथ। और ये है मोदी तिवारी और आज आप जा रहे हैं थोड़ा पुण्य कमाने और दिन की शुरुआत अच्छी करवा रहा है पंडित हमारी। और क्या बोलते हैं, कह रहा है पंडित जी बोलो। अच्छा पंडित जी बोलो। ओके पंडित नहीं पंडित जी, अनमोल तिवारी पंडित जी। पंडित जी पंडित जी पंडित 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 सारा पंडित जी पंडित जी। तो दिन की शुरुआत अच्छी करवा रहा है। क्या बोलते हैं, हम लेके जा रहे हैं गाय के लिए चारा और इसने बोला कि यार थोड़ा पुण्य कमाते हैं, दिन है शनिवार तो अपना सरीचे उतारने के लिए सुबह सुबह तो नहाया ना, है ना, नहीं ना, ना, ये लॉजिक नहीं है कि शनिवार को जलाना है। अच्छा किसी ये दिन आप जा सकते हैं, कमा रहे हैं तो अपनी कमाई का थोड़ा सा पार्ट आप अपनी कमाई का दे सकते हो। दोनों साइड से हम हिंदू है, पंडित जी थोड़ा सा अपनी वो वार्तालाप रखे, अपनी बातचीत रखे, दो शब्द रखे अपने। बहुत अच्छा कार्य है ये, आपको भी करना चाहिए। और वैसे भी हिंदू धर्म में तो गाय हमारी माता है, बल्कि गाय के हर जानवर के लिए आपको ऐसा करना चाहिए। तो मेरा मानना ये है महीने का कम से कम 500 रुपए तो पैसे उड़ाई देते हो। अगर तुम 100 रुपए अगर तुम गाय को दान करते हो, गरीबों को दान करते हो और उससे तुम्हें पुण्य मिलता है, तो उसमें वो नहीं है, मुझे बात नहीं है। अच्छा तो करना चाहिए। ओके तो पीने में निकाल लेते हैं कुछ गुटखा खाने इन सब में, उनका 1000 रुपया खर्चा निकल जाता है। अच्छा तो अपना मतलब पुण्यदान भी करना चाहिए हर इंसान को। भगवान को चढ़ा रहे हो चलो ठीक है चढ़ाओ, लेकिन ये भी जरूरी है। तो कहा कि क्या बोलते, थोड़ा सा पुण्य हमें कमाना चाहिए, तो जैसे आप अपनी अर्निंग का थोड़ा सा पार्ट या 1% या 2% को आप दान कर सकते हैं इस रूप में, जिसमें कि उनको थोड़ा सहारा मिल जाता है और बाकी थोड़ा सा मतलब आपको पुण्य कम जाते हैं। तो दिखाते हैं आपको आज के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनने वाला है। तो अच्छा हाँ ये भाई क्या है यहाँ पे, हमें नहीं पता भाई क्या भी मामला था। हाँ यहाँ का मामला नहीं पता, बढ़िया कुटिया आश्रम बाबू की, जो आश्रम सीरीज निकली थी वो इसी के व्यापक काशीपुर में। भाई साहब देखो ठंड, टाइम कितना हो रहा है अनुकूल, 12 करेक्ट 12 करेक्ट 12 हो रहा है। ये है देखो हमारे विकास काशीपुर का साला, रोडे नहीं बनी यहाँ की, 15 साल के खोदा गए हमारे विधायक जी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देख सकते हो ये हम जा रहे हैं किले के पीछे से रास्ते से, और यहाँ का रास्ता देख सकते कितना बेहतरीन और मस्त है, और बच्चे खेल रहे हैं। क्या करोगे इसका? अच्छा भैया ठंड हो रही है, आग जलानी जरूरी है। ये देख सकते पीछे का हिस्सा है किले का, और यहाँ पर रोड आते सब थोड़ा कीचड़ के चक्कर में थोड़े से खराब हो रखी है। अनमोल थोड़ा आराम से भाई प्लीज, क्योंकि अगर मेरी डिस्क हिल गई पीछे की तो दिक्कत हो जाएगी भाई मुझे। बड़े हैवी ड्राइवर नहीं आजकल तो वो चल रहा है ना कॉम्फो, अगर होता ना भाई गिरा देता गाड़ी। हाँ मैं तो गिरा देता, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मैंने ड्राइविंग सिखाई है बाइक राइड करना इसको मैंने सिखाया, और ये मुझे कह रहा है कि मैं बाइक गिरा देता। तो भाई साहब आप कमेंट सेशन बॉक्स में बताएं कि सबसे अच्छी गाड़ी कौन चलाता है, मैं चलाता हूँ या फिर अनमोल चलाता है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी ले चलते हैं हम आपको सीधा मंदिर की साइड, क्योंकि ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं बस। देख सकते हो पंडित कैसे उठा रहा है, पंडित जी उठा रहे हैं अपना चारा ले जा रहे हैं। जय ओ ओ माते, हमें कुछ नहीं आते। ये देखो मिम्मे, ओए मैं भाई क्या कह रहा है, क्या कह रहा भाई है। हाँ भाई बताओ क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो, कुछ कह रहे हो हैं भाई, कुछ क्या कर रही है हालत मेरे साथ, ये कपड़े खराब, ध्यान रखना भाई साहब थोड़ा सा कत्तो भाई सीज जाती है, बोल लगा पड़ा है। पंडित जी आ जा, मुझे मंदिर, और यहाँ पर देख सकते हैं हम गायों का चारा खिला सकते आराम से, और यहाँ पर गायों का बांधने की व्यवस्था भी सब कुछ है, और पंडित जी द्वारा है, पंडित जी द्वारा हमारे
और ये बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ का। आप देखते हो नज़ारा सुबह सुबह का, सुबह क्या 12 बज गए, दोपहर के हो गई है, और कितना बेहतरीन है। और ये अनमोल भी लेकर आया मुझे, अनमोल देखो फ़ोन लगा हुआ है, ये लेकर आया है यहाँ पे कि क्या बोलते हैं गायों के साथ थोड़ा सा करने के लिए। और आप देखते हो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो गायों को भी चारा खिलाना आए हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें। आप भी आ सकते हैं यहाँ पे, विज़िट कर सकते हैं, अच्छे से आ सकते हैं और गाय को चारा दे सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में आप भी जानते हैं कि ये पूर्णिया कितना अच्छा काम है। तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। ये है क्या है भाभी, ये घूतिया। और भाई ले अनमोल, तेरी बड़ी बिस्ती खाने की भाई, तू खा भाई, ये अनमोल की बिस्ती सबसे ज़्यादा खाने की। तो भाई इसको हम खिला रहे हैं और फिर से ही वीडियो बन रही है। भाभी क्या बहुत पैसा भाई सर, आए दिन कुछ ना कुछ बनाती रहती है त्यौहार तीज त्यौहार में। ये देखो देखो स्माइल की, देखो फेस पे आए है, हंस रही है भाभी। ओ माय गॉड, ओम फोम। 10 रुपये वो करने पे ना दादी, इसलिए आज संक्रांत कुछ कर नहान था ना, हाँ नहान कुछ जैसे दादी ने 10 रुपये दिए, हाँ दादी मुझे बहुत प्यार करे, हाँ दादी मुझे ऐसी आशीर्वाद। और क्या दादी बहुत प्यार करती हो, दादी का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। अब भाभी अब तुम दो, जल्दी से शादी हो जाए मेरी। और क्या, यस यस दादी मेरे साथ है। अब 10x10 दो ओए, दादी हमारे साथ है। दादी कह रही क्या बोलते, शादी हो जाए फिर दादी हमारे साथ है। जीतू की शादी की साड़ी पहनूंगी जल्दी। हाँ हाँ इस साल भगवान से नए साल में खुश चला, उत्तरायण में खुश चला। हाँ हाँ सुंदर से बहू आ जा। और क्या ठीक है, कमाई तो अभी है नहीं दादी, बहू कैसा की कमा लेगा। अरे कमा लेगा, जब शादी हो जाएगी तो कमा भी लेगा। भाई तुम दो पैसे क्या, ये खाने ये तो झूठा क्या हो रहा है।